वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? आप हमारे चेहरे की चमक देख करके जान चुके होंगे कि हम इतना खुश क्यों हैं। क्यों? क्योंकि भाई यार घर वापसी हो गई तेरे भाई की। तारा भाई सिस्टम हैंग करेगा वहाँ। भाई देखिए खेत पूरे रोपे हुए हैं यार, नेचर हमें बहुत अच्छा लगता है ना। आप देखिए ये हमारे खेत हैं, यहाँ से वहाँ तक सारे खेत हमारे हैं। भाई एकदम पूरा फील नया आ गया यार, तरोताजा हो गया सब शरीर। जो पहले उखड़ा हुआ शरीर था ना, वो भाई अब पूरा हरा हो गया है। और खेत में देखिए धान रोप गए हैं, यहाँ रोपना कहते हैं, कहीं पर बैठाना कहते हैं, जो कह लो यार, बस धान लगा दिए गए हैं, जो कह लो आप। तो भाई मजे आ रहे हैं, हम भी आए पहली बार, मतलब पहली बार इस सीजन में पहली बार ही आया हूँ ना, तो धान देखा लग गया है, बहुत मजा आ रहा है यार। हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी, हरी हरा हरा दिख रहा है, दूर दूर तक आपको हरा ही दिखेगा ना। मजा आ रहा है भाई, आप भी एंजॉय करिए। अगर आप भी गांव से होंगे तो आप फीलिंग समझते होंगे भाई, शहर में रहने के बाद ये सब देखना बहुत दूर की बात हो जाती है। और ये खेत भी हम देख ले रहे हैं, आप ये देखेंगे, ये हमारा खेत है जो छोटा सा है, इसमें भी लग गए, इसमें पानी की थोड़ी कमी है, यहाँ पे दूर पानी पड़ता है ना, लाना पड़ता है इसलिए। और यहाँ पर आप चारों तरफ देखेंगे तो सब एकदम हरा हरा दिखेगा, एकदम ग्रीन ग्रीन दिखेगा भाई। भाई सिस्टम है, बस इसी से कहते हैं गांव की लाइफ सबसे अच्छी लाइफ होती है, विलेज वाली लाइफ, क्योंकि भाई यहाँ पॉल्यूशन नहीं रहता है, स्वच्छ रहता है। जैसे डिब्रूगढ़ गया था वहाँ पे मैंने बताया था ना, भाई ग्रीनरी है, नेचर लवर है यहाँ के लोग, तो वही सेम चीज़ है गाँव में। हमारा भी घर पड़ता है भाई, बहुत मजा आता है। अगर पृथ्वी पे कहीं जन्नत है तो बर्फ में भी नहीं है, गाँव में है। जो ठंडी हवा, थोड़ी गर्मी और थोड़ा सा मधुर मधुर प्यार गांव वालों का, तो बहुत बड़ा बात है। गांव में सब बना के रखते हैं, ये देखिए पाउडर लगाया हूँ भाई, ये व्हाइट व्हाइट मट्टी नहीं लगी है, मट्टी भी लग जाती तो मट्टी हाथ में लगती है ना। हाँ तो भाई चलते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे पानी चल रहा है ना, पानी भरा गया है और इसमें कुछ हमें छोटे छोटे कड़े मतलब कीड़े दिख रहे हैं, जिसे हम गलफुलनिया मेघी कहते हैं, गलफुलनिया मेघी। हाँ बता देते हैं भाई आपको भी, क्योंकि इधर थे पूरा उस साइड से जहाँ तक घर दिख रहा है, और इस साइड ट्यूबवेल जो दिख रहा है, और इस साइड जो चक्रूट दिख रहा है, ये सब अपना ही है भाई। बस इसमें सब में धान बैठाया गया है, बीच में गन्ना है, और ये बाजरा है जो जानवर को खिलाने के लिए है, और ये तो साठी है, साठी जो 60 दिन में धान जो तैयार हो जाता है उसे साठी कहते हैं। में आने के बाद भाई अमरूद अमरूद मिलेगा और सब चीज़ें खाने को मिलेगी, तो बहुत मज़ा आने वाला है, इंजॉय करने वाले हैं। आप भी बने रहिए सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा करके। चलिए चलते हैं, थोड़ा कुछ करते हैं भाई, तब एक्टिविटी का आएगा ना। दवा वाला गाढ़ा है, गड्ढा गड्ढा जिसमें पहले मछली जी लाते थे, ये देखिए इसका क्या हाल हो गया। इसमें हम इसमें से जो घास निकलती है इसमें डालते हैं, जिससे इसकी मट्टी सड़ती है, और इसमें हम प्याज बैठाते हैं। और बगल में बड़ा वाला गाढ़ा तो है ही, जिसमें अब सब वो मछली पड़ती है। इसमें आपको दिख जाएंगे ढेर सारे अमरूद, अमरूद के पेड़ हैं यहाँ से, वहाँ जो भी गड्ढे में भिनाते हैं और गांव के लोग खाते हैं। जैसे देखिए वहाँ पर चोरी कर रही थी, मतलब चोरी क्या, और तोड़ रही थी बिना पूछे, मतलब पूछता क्या इसमें है। अब हम खा रहे हैं अमरूद, और ये बड़ा वाला गाढ़ा जिसमें मछलियाँ बड़ी बड़ी हो गई हैं, 3.5-3 पाव की हो गई हैं एक एक मछली। और ये रहा पूरा उसके ऊपर जो पेड़ लगा हुआ है, और इसमें परोरा परोरा रोपा गया है, और इसमें देखिए पाइप फोड़ दिए सब, और इसमें लगा दिए लोहे वाली पाइप, पाइप नहीं ट्यूबवेल लगा दिए हैं, जो पानी तीछा करके फेंकता है भाई। हाँ तो जो भी हो सब सही है, ये इसके पीछे परोरा रोपा गया है और सब्जियां हैं ग्रीनरी ग्रीनरी। और ये रहा हम खा रहे हैं, और ये रहा खेत, सारा सिस्टम शॉर्टेज है, बस इंजॉय करिए आप भी। हम बेबी का इंजॉय करते, देखिए पीछे ग्रीन ग्रीन पेड़। आम का तो सीजन चला गया भाई, आम के सीजन में हम घर पे ही नहीं थे, गुवाहाटी में रहे थे लखनऊ, तो हाँ चलिए कोई बात नहीं, इंजॉय करते हैं जो नेचर है भाई।